गाइस आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक है? मेरा नीम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज डायरेक्ट ड्यूटी से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं भाई, क्या करें, सुबह में नींद नहीं खुला और जल्दी जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए आज रूम पे नहीं स्टार्ट किए, ड्यूटी में आ गए और आज फिर वहीं से काम मिला है, वहीं से स्टार्ट करना है। इस वाला गैलोरी में आज फिर बिल्डिंग मारना है। अभी दो गैलोरी फाइनल किए थे, आज दो गैलोरी है, तो देख रहे हैं आज भर में होता है कि नहीं भाई। और काम हम तो करना ही है, पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा वीडियो भी बन जाए और काम भी चले। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना मशीन, जो मशीन है मेरा, जिस मशीन से हम काम करते हैं, वो मशीन दिखाने वाले हैं फाइनली आपको। आप सब देख सकते हैं, ये रहा मेरा मशीन, एक केबल है, ये रड है, इस पैकेट में रड है। और ये मशीन के बारे में आज जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन सा मशीन कहाँ अधि होता है। ये हुआ करंट बढ़ाने वाला, ये करंट कम बेसी होगा, इससे भी कम बेसी होता है, अगर इससे ज़्यादा फुल गिरने पर नहीं करंट ज़्यादा देगा। ये स्विच है, इसको टिप देंगे ये स्विच को तो फिर बंद हो जाएगा मशीन, इसको करेंगे तो करंट ज़्यादा कम बेसी होने लगे ऑटोमेटिक, और इसको करेंगे तो ये है बीच में रहेगा तो सैंपल चलेगा, अगर ऊपर कर दें तो पर भी सैंपल चलेगा। और ये रहा मेन पावर, ये रहा मेन पावर, ये रहा अर्थ हीट। और मेरा आज हेलमेट दिखा रहे हैं, हेलमेट तो देखे होंगे मेरा, ये है मेरा टूटा फूटा हेलमेट जो ऐसे पहन के और ऐसे भो के मारते हैं। इसमें ब्लैक कांच आता है, एक वाइट कांच आता है, ब्लैक कांच रहे तो अगर बिना हेलमेट को मारेंगे तो मेरा आँख में लाइट भी लग सकता है, इस कारण से हेलमेट देता है। और होल्डर तो है ये है। और एक बात और कि मेरे साथ कल क्या हुआ था वीडियो में नहीं दिखा पाए, अगेन रात हो गया था ना, इसलिए रात में वीडियो नहीं बंद कर पाए, अति का ब्लॉग स्टार्ट कर पाए, थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए, तो अभी दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। आप ये देख रहे हैं ना कितना ऊपर है, वह टॉप पे, हम नीचे हैं, बहुत ऊपर है ये, मैंने 30-40 किलोमीटर ऊपर है, तो 30-40 किलोमीटर तक ऊपर है मैंने। और कल मेरे को वहाँ पे मैंने लग गया था चोट, ये देख सकते हैं यहाँ पे लग गया था, कट गया था, बिल्डिंग मार रहे थे और मैं उतर रहे थे, पैर स्लिप कर दिया तो उसमें लग गया चोट, तो जाके दवा लिए, दवा कराए, तब जाके ठीक हुआ है, थोड़ा नरम हो गया है, थोड़ा दर्द नहीं कर रहा है, दर्द कर रहा है थोड़ा मोड़ा फिर भी। तो भाई बाहर कमाने वाला का बहुत कष्ट होता है, हम लोग के साथ ऐसा है कि बाहर कमाने वाला जो है तो मैंने ऐसा नौकरी रहे तो ठीक है कि मैंने मतलब कि घर से खाना लेकर जाएं, खाना लेकर आके खा के ड्यूटी करें और फिर घर आ जाए, ऐसा जॉब रहे तो ठीक है। हम लोग के ऑलरेडी साल भर 6 महीना बाहर रहना पड़ता है, एनी टाइम लगातार 6 महीना साल भर, आपको मन जितना करे उतना दिन रह सकते हैं, बाकी घर वाला का कोई नहीं है कि घर वाला है, फैमिली के साथ में नहीं, सिर्फ अकेले, खुद से खाना बनाना, खुद से उठना, खुद से खाना और सब कुछ खुद से करना है, ये नहीं कि कपड़ा भी घर वाला धो दे, नहीं अपना ही से धोना है, सब कुछ करना है भाई, बाहर रहने वाला समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग भाई सपोर्ट कीजिए, आप लोग देख एक पीछे आप लोग का मुकाम है, आप लोग अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग का मेन पावर दिखाना है, इतना पावर दिखाइए ना कि इतना वीडियो को शेयर कीजिएगा कुछ कहने लायक नहीं, अपने दोस्तों के पास सब चीज़ के पास बैठा दीजिए। मिलते हैं गाइस, अब खान लंच हो गया, 1 बज गया, अब जा रहे हैं पानी लेने, इसे डब्बा में एक डब्बा पानी लेंगे तब खाना वाना खाएंगे और फिर 2 बजे फिर ड्यूटी में चल जाएंगे, फिर 8 बजे छुट्टी होगा रात में। तो भाई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, शेयर करिए वीडियो को। खा लिए और खाना वाना खा के अब जा रहे हैं, 1 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद यार याद नहीं पड़ा कि आपको दिखाने के लिए खाना में क्या था, तो खाना में ये था कि दाल और चावल और आलू की भुंजरी, बस इतना ही था, और खाना वाना खा लिया।